subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सबसे पहले समझते हैं कि पहली मिस्टेक क्या होती है, वो है आपकी सेटअप एंड पोस्चर। सेटअप एंड पोस्चर में ध्यान दीजिएगा, इस सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि आपके पास एक फ्लैट सरफेस होनी चाहिए। फ्लैट सरफेस यानी कि फ्लोर या फिर मैट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आप चाहें तो एक फ्लैट बेंच में भी एब क्रंचेस को परफॉर्म कर सकते हैं। दूसरी चीज ध्यान देने वाली यहां पे बात यह है कि आप जब भी एब क्रंचेस को परफॉर्म करें तो आपकी जो हैंड पोजिशनिंग है वो आपकी या तो शोल्डर्स में होनी चाहिए, शोल्डर्स को टच करनी चाहिए, या फिर आपके नेक के पीछे, आपके सर के पीछे आपके दोनों हाथ होने चाहिए। उसके बाद बारी आती है आपके बैक की। आपका जो बैक है वो हमेशा फ्लैट होना चाहिए आपके फ्लोर में, यानी कि आपके लोअर बैक यानी कि लंबर स्पाइन और फ्लोर के बीच में गैप नहीं होना चाहिए। लंबर स्पाइन आपका पूरी की पूरी तरीके से टच करेगा फ्लोर में, साथ में आपके हिप्स भी फ्लोर पर रहेंगे। उसी के साथ साथ आपकी जो नीज है वो भी बेंड रहेंगी और आपका जो फीट प्लेसमेंट है यानी कि आपके जो पैर हैं वो आपके हिप से एक सर्टन डिस्टेंस में होंगे, ज़्यादा क्लोज नहीं और ज़्यादा दूर भी नहीं, एक परफेक्ट डिस्टेंस, ताकि आपका बैक फ्लैट रह सके फ्लोर में। दूसरी बड़ी मिस्टेक आती है यहाँ पे, फ्लेक्सिंग द नेक, यानी कि आप अपने नेक को बेंड करते हैं, फ्लेक्स करते हैं सामने की ओर, जिसकी वजह से आपके नेक में इशू होने लगता है। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ध्यान दीजिए गाइस, जब भी आप एब क्रंचेस लगाते हैं तो आपको हमेशा ये ध्यान देना है कि आपके शोल्डर्स कभी भी रोल नहीं होने चाहिए सामने की ओर, ना ही आपको ये कोशिश करनी है इंटेंशनली कि आप अपने एल्बोस को अपनी नी से टच करें, कोई ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ आपको ध्यान देना है कि आपके जो रेक्टस एब्डोमिनस है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट हो, और रेक्टस एब्डोमिनस का जो प्राइमरी फंक्शन है वो है आपके लंबार का फ्लेक्शन, यानी कि जो आपका लंबार स्पाइन है, लोअर बैक का जो हिस्सा है उसको फ्लेक्स करना, उसको बेंड करना सामने की ओर, यानी कि आपके बैक को रोल करना, तब जाके आपका सिक्स पैक का हिस्सा कॉन्ट्रैक्ट और ट्रेन होता है। तीसरी मिस्टेक आती है बहुत ही अजीब सी, जिसे कहते हैं हम सिटअप्स, राइट? अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं सिटअप्स को मिस्टेक क्यों कह रहा हूं। वो इसीलिए क्योंकि जब हम रेक्टस एब्डोमिनस यानी कि सिक्स पैक्स वाले एरिया को हिट करने की कोशिश करते हैं तो हमें सिटअप करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती। जब आप सिटअप करते हैं तो आपका जो पहला हाफ है यानी कि पहला मोशन, उसमें ही आपका रेक्टस एब्डोमिनस कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ट्रेन हो जाता है, क्योंकि फंक्शन ही बैक को रोल करना है आपके रेक्टस एब्डोमिनस का। उसके बाद जब आप सिटअप्स लगाते हुए उसका दूसरा हाफ लगाते हैं तो वहां पे आपका रेक्टस एब्डोमिनस नहीं बल्कि आपके हिप फ्लेक्सर्स ट्रेन होते हैं। और एब क्रंचेस जब आप लगाते हैं तो आपका मकसद सिर्फ और सिर्फ रेक्टस एब्डोमिनस यानी कि सिक्स पैक एब्स को हिट करना होता है, ना कि हिप फ्लेक्सर्स को। सो अननेसेसरी आप अपने रेंज ऑफ मोशन को बढ़ा के कोई बेनिफिट नहीं कर रहे हैं अपने रेक्टस एब्डोमिनस यानी कि सिक्स पैक एब्स वाले मसल को ट्रेन करने में। चौथी मिस्टेक आती है यहाँ पे रेंज ऑफ मोशन और ब्रीदिंग की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका रेंज ऑफ मोशन। इससे पहले वाले पॉइंट में जो मैंने आपको समझाया उसी को मैं डिटेल में समझाता हूँ कि आपका रेंज ऑफ मोशन एब क्रंचेज में स्टार्ट होता है आपके फ्लोर से। फ्लोर में आपका बैक होता है, वहां से आप स्टार्ट करते हैं तब तक जब तक आपका एब्स पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट ना हो जाए। उस पॉइंट से ऊपर जाके आपको कोई फायदा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपका जो एम है वो एब्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है। दूसरी चीज आती है इसमें ब्रीदिंग की। सो ब्रीद आपको आउट यानी कि बाहर सांस तब छोड़नी है जब आप एब्स को कॉन्ट्रैक्ट करें यानी कि ऊपर की ओर आएं, और जब आप नीचे जाते हैं फ्लोर की तरफ, अपने बैक को फ्लोर में टच करते हैं, दैट मींस आपको सांस अंदर लेनी है। सो ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। पांचवी और सबसे बड़ी मिस्टेक आती है यहाँ पे लूजिंग द टेंशन। बहुत सारे लोग एब क्रंचेस लगाते हुए ये भूल जाते हैं कि उन्हें अपने एब्स में टेंशन को मेंटेन करना है। 200-300 रेपिटेशन लगाते हैं लेकिन फिर भी उनका एब्स सही तरीके से ट्रेन नहीं हो पाता। रेंज ऑफ मोशन तो कर रहे होते हैं लेकिन टेंशन को मेंटेन नहीं करते। सो क्या कह रहा हूं मैं, जब आप एब क्रंचेस लगाते हैं तो अपने एब्स की हवा को, अपने एब्स की टाइटनेस को मेंटेन करके रखिए थ्रू आउट द रेंज ऑफ मोशन, यानी कि नीचे भी जब आप जाएं रेपिटेशन में अपने बैक को फ्लोर पे टच करने के टाइम पे, तब भी आपका मसल कॉन्ट्रैक्टेड यानी कि टेंशन रहनी चाहिए,
उसके बाद जब आप ऊपर पहुंचे, जब आप फुली कॉन्ट्रैक्ट करें, तब भी टेंशन मेंटेन रहनी चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट बात यहां पे ध्यान रखिए कि आप जब सांस छोड़ रहे हैं तो इसका यह कतई मतलब नहीं है कि आपको अपने पेट को फुलाना है, आपको अपने पेट को कॉन्ट्रैक्ट करना है, यानी कि अपने जो एब्स है, रेक्टस एब्डोमिनस, उसमें से हवा बाहर निकालनी है, उसको और टाइट करना है सांस को छोड़ते हुए भी। ये बहुत ही ट्रिकी रहता है करना, लेकिन जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक आपके एब्स सही तरीके से ट्रेन नहीं हो पाएंगे, आप मसल एंड माइंड कनेक्शन को डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो की टिप मैं आपको यहाँ पे ये देना चाहूँगा कि अपने रेंज ऑफ मोशन को बिल्कुल स्लो कर दीजिए, बहुत ध्यान से कंट्रोल्ड फॉर्म में नीचे आइए, यानी कि अपने एब्स को स्ट्रेच करिए और बहुत ही कंट्रोल्ड फॉर्म में ऊपर जाते हुए अपने मसल को कॉन्ट्रैक्ट करिए, तब जाके आपका जो मसल एंड माइंड कनेक्शन है वो डेवलप होगा और आप ब्रीदिंग को भी कंट्रोल कर पाएंगे। ऑलराइट, सो गाइज, ये थी सारी मिस्टेक्स एब क्रंचेस को लेके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इसकी वीडियो एडिटिंग पसंद आई है, प्रोडक्शन क्वालिटी पसंद आई है, तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि किस तरीके से आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और इस तरह के वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ एंड टेक केयर, बाय बाय।